नमस्कार साक्षी न्यूज टोरंटो को और आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने दानिक स्कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है। जहां तक अध्यादेश की बात है तो हम आपको बता दें कि यह ऐसे वक्त आया है जब पिछले सप्ताह ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, साथ ही इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह सदस्य होंगे। अध्यादेश में कहा गया है, प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मुद्दों पर फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे। अध्यादेश में कहा गया है कि प्राधिकरण उसके अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर बैठक करेंगे। अध्यादेश में कहा गया है, प्राधिकरण की सलाह पर केंद्र सरकार जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु प्राधिकरण के लिए आवश्यक अधिकारियों की श्रेणी का निर्धारण करेगी और प्राधिकरण को उपयुक्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ए के अधिकारियों और दिल्ली सरकार से जुड़े मामलों में सेवा दे रहे दानिक्स अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की सिफारिश कर सकेगा, लेकिन वह अन्य मामलों में सेवा दे रहे अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और वह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है। लेकिन यह अध्यादेश एक चीज तो दिखा देता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर बहुत लगता। मैं कई बार ये सोचती हूं कि दिल्ली इतना छोटा सा राज्य, आप अगर भारत के नक्शे पे देखने जाइए तो दिल्ली दिखता भी नहीं है। मतलब तो दिल्ली को ढूंढना भारत के नक्शे पे बहुत मुश्किल होता है। इतना छोटा सा राज्य, उसमें भी आधी सरकार जिसके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की ताकत नहीं है, इतनी सी सरकार की अगर ताकत को मोदी जी हर संभव गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो उसका तो एक ही कारण है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मोदी जी को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरी ताकत मिल जाए, चाहे 6 महीने के लिए मिल जाए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो चमत्कार करके दिखाएगी, वो पूरे देश को दिखा देगा कि एक सरकार की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ईमानदार राजनीति की ताकत क्या होती है। लेकिन मोदी जी, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में बहुत ताकत है। उस संविधान ने एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई है, उस संविधान ने एक संघीय ढांचा बनाया है, उस संविधान ने अफसरों को चुनी हुई सरकार के अधीन बनाया है, क्योंकि आखिरकार इस संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जनता को ताकत दी है। हो सकता है कि 6 हफ्ते के लिए आप अपने इस गैर संवैधानिक अध्यादेश से 6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए, 12 हफ्ते के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन नहीं करता है, आप अरविंद केजरीवाल के काम को रोक सकें। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल को ताकत दिल्ली की जनता ने दी है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दी है, आप उस ताकत को नहीं ले सकते। धन्यवाद।
दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का स्वागत करते हुए आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। मित्रों क्षमा करेंगे आपको, हमको यहाँ प्रेस करनी पड़ी क्योंकि आप लोग उपस्थित थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर करके आज ये प्रेस जरूरी है, जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, भारत की राजधानी दिल्ली के संबंध में है। आपको मालूम है दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। वहां पर पार्लियामेंट है, वहां पर राष्ट्रपति भवन है, वहां पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है, वहां पर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहां पर एक विधानसभा भी बनी है 239A के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहां की सरकार चलाने का की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है और भारत की सरकार राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वहां पर प्रशासन के लिए कोई विशेष कानून भारत के संविधान के शेड्यूल 42 के अंतर्गत नहीं है, अतः उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और देखिए वाईजे राजशेखर आईएएस 2010 बैच के थे जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक एनजीओ के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो आईएएस 2005 बैच के थे सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह एक लेडी आईएएस ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी आईएएस ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक आईएएस 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं, वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे, उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत का एक भारत की राजधानी है, दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन टू इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन फॉर अपराइट ऑफिसर्स। और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया, कई कॉम्प्लेंट आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। तो मुझे आपको बताना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रख दें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।